शेयर बाजार के निवेशकों को अपना कलेजा और मजबूत कर लेना चाहिए। एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार में अभी और गिरावट आने वाली है, यहाँ तक कि निफ्टी 19,250 के स्तर तक भी जा सकता है। आज 28 सितंबर को आखिरी घंटे में बाजार में जिस तरह से भारी बिकवाली हुई, उससे यह आशंका और तेज हो गई है। बाजार में ये गिरावट क्यों आ रही है और आगे निवेशकों को इसे लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आइए इसे जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। शेयर बाजार में आज 28 सितंबर को भारी गिरावट आई। निवेशकों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 1% टूट कर बंद हुआ। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में आज गिरावट आई। हुआ यह है कि क्रूड ऑयल का दाम $97 के पार पहुंच गया है। पिछले 10 महीनों में यह क्रूड ऑयल पहली बार इतना महंगा हुआ है। इसी खबर के बाद बाजार में हाहाकार मचा। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंची बने रहने का संकेत दिया था। साथ में चीन का प्रॉपर्टी मार्केट इस समय एकदम बैठा जा रहा है। इन सब कारणों ने निवेशकों का भरोसा कमजोर किया है, जिसके चलते उन्होंने बाजार में पैसा लगाने की जगह उससे पैसा निकालना शुरू कर दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक क्रूड ऑयल के दाम और ऊंची ब्याज दर की चिंता बनी रहेगी, तब तक बाजार में गिरावट भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट में इस समय उथल पुथल चल रहा है, ऐसे में निफ्टी 50 में और गिरावट आ सकती है। निफ्टी यहां से 19,400 के स्तर को तोड़कर नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी ने भी डेली चार्ट पर गुरुवार को एक लॉन्ग बियर कैंडल बनाया है, जो इसमें और गिरावट आने का संकेत देता है। आज बैंक निफ्टी 227 अंक गिरकर 44,301 पर बंद हुआ, जो इसका 31 अगस्त के बाद का सबसे निचला स्तर है। बाजार में आगे अब कैसी चाल रहेगी, इसे समझने के लिए हमने LKP सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे से बात की। रूपक ने बताया कि निफ्टी आज 27 सितंबर को 19,750 के स्तर को होल्ड करने में फेल रहा और इसमें बड़ा करेक्शन देखने को मिला। डेली चार्ट पर भी इसका जो पैटर्न बन रहा है, वो इसमें आगे भी निगेटिव सेंटिमेंट जारी रहने का संकेत दे रहा है। साथ ही अभी बाजार में तेजी आने पर बेचकर निकलने की धारणा भी मजबूत बनी हुई है। रूपक ने कहा कि निफ्टी को अभी 19,450 पर तत्काल सपोर्ट है, लेकिन यहां से ये 19,250 के स्तर तक जा सकता है। वहीं ऊपर में इसे 19,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। रैली गियर ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट अजीत मिश्रा का भी यही मानना है। उन्होंने कहा कि निफ्टी 19,750 के स्तर को वापस हासिल करने में नाकाम रहा और अब यह और नीचे की ओर जा रहा है। अजीत ने कहा कि निफ्टी को अभी 19,450 पर तत्काल सपोर्ट है, लेकिन अगर यह स्तर टूटा तो फिर यह 19,200 तक जा सकता है। ऐसे में निवेश को लेकर सावधानी बरतें। इस खास वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम यहाँ जाते जाते ये साफ करना चाहेंगे कि हमने स्टॉक मार्केट को लेकर आपको जो भी राय या विचार बताए हैं, वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। स्टॉक्स को लेकर कोई भी फैसला करने से पहले किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।